हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2021 के करंट अफेयर्स। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको इन सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए देखते हैं इस हफ्ते क्या इंपॉर्टेंट हुआ है हरियाणा में। पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है, हरियाणा फिफ्थ इन एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में हरियाणा पांचवें नंबर पर आता है पूरे इंडिया में। और ये हैरानी की बात इसलिए भी है बिकॉज हरियाणा हैज वन ऑफ द लोएस्ट एरियाज अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट सीम्स लाइक अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रडिक्शन, लेकिन उसके कारण क्या है वो भी हम देखते हैं। तो हरियाणा में सबसे कम एरिया है सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, लेकिन इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में हरियाणा पांचवें नंबर पर आता है। तो स्टेट में कुल मिलाकर 5,300 हेक्टेयर के करीब जो एरिया है वो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आता है, जिसमें से 4,900 हेक्टेयर्स एरिया जो है दैट इज अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम्स के नाम। सो 4,900 यानी कि करीब करीब 90% एरिया जो है वो नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर है, और बाकी का जो 400 हेक्टेयर्स एरिया है दैट इज अंडर पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। तो NPOP के अंदर 4,900 हेक्टेयर्स और PGS के अंदर 400 हेक्टेयर्स एरिया जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर स्टेट में आता है, और करीब करीब 4,300 फार्मर्स हैं जो कि ऑर्गेनिक फसलें उगाने में इंडल्ज हैं, जैसे कि सीरियल्स, मिलेट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, वीट, बासमती राइस, फॉडर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, प्रोसेस्ड फूड, पल्सेस, स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, शुगर, टी एंड ट्यूबर प्रोडक्ट्स। तो सारी जो प्रोडक्ट्स हैं क्रॉस द रेंज, उन सब में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, और स्टेट ने करीब करीब 39,000 मिलियन टन्स जो कि 350 करोड़ के करीब जिसकी वैल्यू बनती है, इनका एक्सपोर्ट किया है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में। यूटीज जैसे कि अंडमान निकोबार, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, इन सब में हरियाणा से कम एरिया है जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आता है। तो स्टेट्स में हरियाणा सबसे नीचे है, बाकी ये सब तो यूटीज हैं। तो हरियाणा में ऐसा क्यों है कि यहाँ पर डिस्पाइट वन ऑफ द स्टेट्स हैविंग वन ऑफ द लोएस्ट एरिया अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर? बिकॉज यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत सारी स्कीम्स को प्रमोट किया गया है, ना सिर्फ सेंटर की तरफ से बल्कि स्टेट की तरफ से भी। जैसे कि परंपरागत कृषि विकास योजना को यहाँ पर बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, इसे भी यहाँ पर अच्छे से डेवलप किया गया है। हालांकि ये स्कीम जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। देन इन स्कीम्स में ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए एंड टू एंड सपोर्ट प्रॉमिस की जाती है, प्रोडक्शन से लेकर कि आप इसे उगाइए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, उसको सर्टिफाई किया जाएगा, उनकी मार्केटिंग भी की जाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट की जाएगी जिसमें कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ये सब कुछ ऑर्गेनिक फार्मर्स को प्रोवाइड कराया जाता है एंड टू एंड। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि स्टेट गवर्नमेंट कितना उसको सपोर्ट करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया है 2020-21 से ही, जिससे कि सर्टिफाई किया जा सकेगा लार्ज ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एरियाज को। ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक एरिया का मतलब ये है कि अगर सरकार को पता है कि कोई ऐसा एरिया है स्टेट में जहाँ पर बहुत ही कम और नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि यहाँ पर कभी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर केमिकल फार्मिंग की गई होगी, तो ऐसे नेचुरल एरियाज या ट्रेडिशनल एरियाज को भी LACP के अंडर सर्टिफाई किया जा सकता है। जैसे कि हिल्स, आइलैंड्स, ट्राइबल और डेजर्ट बेल्ट्स, जहाँ पर कोई हिस्ट्री नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या एग्रोकेमिकल को यूज़ करने की, उन एरियाज को नेचुरली या ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक एरियाज की तरह सर्टिफाई किया जाता है इस प्रोग्राम के अंदर, राइट? तो इसके अंदर भी काफ़ी एरिया जो है वो हरियाणा का आया है। सो दैट इज़ वन ऑफ द reasons कि गवर्नमेंटल सपोर्ट की वजह से यहाँ पर इट हैज़। अब बेसिकली इसको इम्प्रूव करने का तरीका क्या है, दैट इफ द एरिया इज लेस द गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स, द स्टेट गवर्नमेंट शुड इंक्रीज द एरिया अंडर सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द स्टेट।
क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है देन द स्टेट हैज द पोटेंशियल टू बी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया बिकॉज अदरवाइज द स्टेट इज परफॉर्मिंग वेल. तो अगर एरिया बढ़ाया जाता है देन ऑफ कोर्स द पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो ह्यूज. नेक्स्ट ये सिक्योरिटी से रिलेटेड मैटर है. ड्रोन्स टू बी यूज इन मैपिंग ऑफ अर्बन एरियाज फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन 80 सिटीज एंड टाउन्स ऑफ हरियाणा. अब ये न्यूज़ वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी सी गवर्नेंस से रिलेटेड या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ है, लेकिन ये अब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि 2 महीने पहले ही जम्मू एयरबेस पर ड्रोन्स की वजह से हमला, ड्रोन की मदद से हमला किया गया ऑन द जम्मू एयरबेस. सो देन द प्रॉब्लम इज कि उस अटैक के बाद से गवर्नमेंट की जो ड्रोन गाइडलाइंस हैं या अनमैन्ड एरियल व्हीकल गाइडलाइंस हैं, UAV गाइडलाइंस, वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई हैं. So now there is a particular policy, there are particular rules for unmanned aircraft systems, जैसे कि UAS rules 2021 के नाम से जाना जाता है. And now under that scheme, under that regime, every governmental department or private agency, if they want to use any drone, will have to take permission from the government. तो हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट जो है इसने भी परमिशन ली है कि ये अर्बन एरियाज की मैपिंग के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सके जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो पाए बिकॉज ड्रोन्स आर वेरी हेल्पफुल एंड इकोनॉमिकल इन सर्वेइंग द एरियाज. तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की परमिशन जो है वो ली गई है और एक कंडीशनल एग्जेम्पशन प्रोवाइड की गई है हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट को अंडर द अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UAS रूल्स 2021. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अमृत स्कीम है, अमृत इज बेसिकली अटल मिशन, इट्स एन एक्रोनिम, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. सो अमृत इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो अर्बन एरियाज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो अमृत स्कीम है ये गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी. इससे पहले इस स्कीम का नाम जो है वो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर था, इट वॉज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन. लेकिन 2014 में नई गवर्नमेंट के आने के बाद इसी का नाम चेंज करके अमृत बना दिया गया और इसमें बहुत सारे नए एडिशंस कर दिए गए. तो अमृत स्कीम के अंडर स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट और बेसिक अमेनिटीज, ये सब कुछ लोगों को प्रोवाइड कराई जाती हैं अर्बन एरियाज में. देखिए रूरल एरियाज के लिए तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, दिस स्कीम इज डेडिकेटेडली फॉर अर्बन एरियाज. तो एग्जेम्पशन किस किस को दी जाती है जो ड्रोन्स के लिए है, डेटा एक्विजिशन, मैपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेब बेस्ड GIS प्लेटफॉर्म जिससे कि अमृत सिटीज जो है वो डेवलप हो सके. इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे किया जा सके हिसार, पंचकुला, अंबाला जैसे अर्बन एरियाज में. सो बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज. और कौन कौन से 18 शहर हैं जहां पर हरियाणा अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट सर्वे करने वाला है, अंबाला, बहादुरगढ़, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, थानेसर एंड यमुनानगर. सो ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ हरियाणा हैज बीन कवर्ड वाइल सर्वेइंग ऑल दीज सिटीज. लेकिन ये पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट नहीं, सिर्फ सिटीज को सर्वे किया जाएगा ताकि यहाँ पर अमृत मिशन के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके. राइट, सो हाउ टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस कम टुगेदर, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है. नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हरियाणा में, यमुनानगर यंग साइंटिस्ट डिस्कवर 6 अर्ली एस्ट्रॉइड्स. तो इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड सर्च प्रोजेक्ट 2021, इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड सर्च प्रोजेक्ट जो कि नासा ने शुरू किया था, इसके तहत यमुनानगर के कुछ यंग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, 2 यंग साइंटिस्ट हैं बेसिकली जिन्होंने 6 एस्ट्रॉइड्स की पहचान की है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट. तो अब नासा जो है वो इन अर्ली एस्ट्रॉइड्स को डिटेल में स्टडी करेगा, इनका ऑर्बिट, साइज, स्पीड सब कुछ जो है वो डिटरमिन करेगा और नासा की स्टडी के बाद इन्हें एक ऑफिशियल नाम दिया जाएगा जिसके लिए इन साइंटिस्ट्स को भी कंसल्ट किया जाएगा.
फिलहाल के लिए इन्हें टेम्परेरली नाम दिए गए हैं P11HDB1 whatever, तो ये बहुत ही टेक्निकल से नाम है, अभी इनको ये नाम दिए गए हैं। और अगर हम इन जनरल बात करें, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है ये हमें सोलर सिस्टम में मिलती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, इन दोनों प्लैनेट्स के बीच में हमें एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है, राइट। तो ये जो साइंटिस्ट हैं दे आर मेंबर्स ऑफ स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, ये एक टीम है स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन, और इसमें सौरभ कौशल, सचिन शर्मा एंड राघव शर्मा, दीज आर द थ्री यंग साइंटिस्ट्स। तो इनकी फाइंडिंग्स को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी सर्च कोलैबोरेशन की साइट पे भी अपलोड कर दिया गया है, विच इज़ एन इंटरनेशनल यू कैन से कम्युनिटी ऑफ साइंटिस्ट्स। तो जो इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डिस्कवरी प्रोजेक्ट है IADP है, जिसमें कि एस्ट्रॉयड्स को डिस्कवर किया जाना है, इसे INSC ने कंडक्ट कराया था, और इट्स अ पार्ट ऑफ नासा सिटीजन साइंस प्रोजेक्ट, जिससे कि रिसर्चर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वह एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को एक्सप्लोर कर सके और एस्ट्रॉयड्स की खोज कर सके। नासा के पास एक बहुत ही बड़ा, इनफैक्ट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीस्कोप है हवाई में इन द नॉर्दर्न पैसिफिक। यहाँ से स्काई की पिक्चर्स दी जाती हैं रेगुलर इंटरवल पर, और इन फोटोज को पार्टिसिपेंट्स को भेजा जाता है। तो इसमें पूरे ग्लोब से, पूरी दुनिया से 134 टीम्स ने इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, जिसमें एक इंडिया से भी थी ये टीम, और इन्हें हाई क्वालिटी एस्ट्रोनॉमिकल डेटा प्रोवाइड कराया गया IASC की तरफ से, ताकि ये एस्ट्रॉइड्स को जो है वो स्टडी कर सके। तो जो स्मार्ट सर्किट्स इनोवेशन टीम है, इन्होंने इसमें जो है 6 एस्ट्रॉइड्स ढूंढ निकाले हैं। तो एस्ट्रॉइड्स होते क्या हैं? दिस आर स्मॉल रॉक्स एंड ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम बिटवीन मार्स एंड जुपिटर विच कैन पोज अ थ्रेट टू द अर्थ, राइट। और ऐसा क्यों किया जाता है एस्ट्रॉइड्स के ऊपर स्टडी? ताकि एस्ट्रॉइड्स को ट्रैक किया जा सके और किसी भी तरह की कैलामिटी को प्रिवेंट किया जा सके, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड्स बहुत बड़े होते हैं, किसी भी वक्त ये अर्थ में एंटर हो सकते हैं, तो इन्हें कैसे रोका जाए, इसलिए इनकी पहले पहचान करना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड ये न्यूज़ है हरियाणा की। 500 ईयर ओल्ड कुरुक्षेत्र बावरी टू बी अ टूरिस्ट स्पॉट। तो हरियाणा में 500 साल पुरानी एक बावरी यानी कि स्टेप वेल है, जिसे अब रिप्लेनिश किया जाएगा, रिजुविनेट किया जाएगा बाय द हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड। तो इस बोर्ड की तरफ से 500 साल पुराने स्टेप वेल को, जिसका नाम है भाई लक्की राय वंजाराज बावरी, तो भाई लक्की राय वंजारा की भी एक हिस्ट्री है जिसके बारे में हम अभी जानेंगे। तो ये ईशरगढ़ गांव कुरुक्षेत्र में है, जिसे कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया जाएगा, जिस तरह से गुजरात और राजस्थान में बावरीज हैं या स्टेप वेल्स हैं, उसी तरह से अगर किसी और जगह पाया जाता है, देन इट बिकम्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, स्पेशली इफ इट हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, राइट। तो इसे टूरिस्ट स्पॉट की तरह डेवलप किया जाएगा, नेशनल हाईवे के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो जो लक्की राय वंजारा है, जिन्होंने ये बावरी बनवाई, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ये बावरी बनवाई, सो ही वॉज द सेम पर्सन हु बर्नड हिज ओन हाउस टू क्रीमेट द हेडलेस बॉडी ऑफ गुरु तेग बहादुर। सो गुरु तेग बहादुर जी, जो कि 9th सिख गुरु थे, इनको औरंगजेब ने एग्जीक्यूट कर दिया था, इनका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया था। तो उनकी हेडलेस बॉडी को क्रीमेट करने के लिए, बिकॉज उस टाइम जो औरंगजेब था उसका बहुत आतंक था, तो ऐसे में निडर होकर लक्की राय वंजारा थे जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के पार्थिव शरीर को क्रीमेट किया, अंतिम संस्कार किया, राइट। तो इसलिए सिख धर्म में लक्की राय वंजारा को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता है। तो ही वॉज अ फिलंथ्रोपिस्ट ऑल्सो, तो उन्होंने जो है सरस्वती नदी के किनारे इस बावरी का निर्माण करवाया था आज से करीब 500 साल पहले। तो जो हेरिटेज, सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड है, ये इस हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट को प्रमोट करेगा और इस एंशियंट स्टेप वेल को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करेगा। तो हिस्टोरिकल इसके अंडरपिनिंग्स हैं, कल्चरल है, और टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट होगी तो इकोनॉमिक रेलिवेंस भी इसकी आ जाती है, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो इस हफ्ते हरियाणा में हमें कवर करनी थी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड सेंड इट टू योर फ्रेंड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you and have a nice day.